डब्ल्यू एक्स वाई ठीक है, या जेड ले लो आपको लेना है ठीक है। अगर मतलब कि फोर रोज का आपको बनाना है तो फोर रोज का ले लो। और वी क्या है बस ये वी नोट वी वन सबकी वैल्यू गिवन होगी बिल्कुल ठीक है, वी नोट वी वन वी टू ठीक है, इस तरीके से है। अब हमें क्या करना होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड में, आपको एक मैट्रिक्स दिए, हमारा मेन मोटिव क्या होता है इस मैट्रिक्स को उठाना होता है। इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। मतलब क्या, मतलब मेरा सिंपल मतलब है बोलने का कि आप कुछ भी करना है, कुछ भी करके आप जो ये डायगनल्स है ना, इन डायगनल्स को आप क्या करो वन 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 बना दो, ये मोटिव होता है। और जितने भी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है उसको जीरो बना दो। मतलब कि ऐसे अगर मैं इसको बना के दिखाऊं यहाँ पर तो ये जैसे होगा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री, तो कैसे बनेगा यहाँ पे वन वन दो तीन चार, सेवन फोर मान लो और थ्री सेवन नाइन सिक्स ठीक है, इस तरीके से ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको हमें क्या करना होता है वन बनाना होता है। ये हमारा मोटिव होता है इसका इस्तेमाल करके। बाकी जो जितने भी इसके नीचे के एलिमेंट्स है कि ये हो गया ये हो गया ये ये ये, ये सबको क्या करना होता है हमें जीरो बनाना होता है, ये हमारा मोटिव होता है। तो इसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, मैं एक सिखा देता हूँ कैसे करना होता है, आपको बताना होगा मैं पूछ लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करेंगे यहाँ पे वन चाहिए हमें, तो कैसे करेंगे अगर हम रो वन में क्या करें आगे हम टू से डिवाइड कर देंगे, सबको टू से डिवाइड करोगे क्या हो गया वन बन जाएगा, बाकी जो भी है पॉइंट में आएंगे चले गए ठीक है। बट एक पहला बना गया, फिर मान लीजिए यहाँ पे बना गया, अब देखना आपको भैया कि आपको यहाँ पे वन बनाना है या यहाँ पे यहाँ पे मान लो कितना है थ्री है, अब से आइडिया लेंगे ठीक है थ्री है, इसको आपको जीरो बनाना है। तो कैसे करोगे इसको आप, तो ये आर टू है तो क्या करोगे इस आर टू मैट्रिक्स में क्या करोगे आप माइनस कर दोगे थ्री इंटू आर वन है ना, तो मतलब कि आर टू मतलब थ्री माइनस थ्री इंटू आर वन की वैल्यू क्या है वन, तो कितना आ गया ये जीरो आ गया ना, तो ये एक टर्म यहाँ पे क्या हो जीरो हो गई। इस तरीके से काफी पांच छह स्टेप्स करने के बाद आपको क्या होगा इस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी, और इसी को ही हम लोग गॉस एलिमिनेशन बोलते हैं ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये करना जरूरी क्यों होता है, इससे क्या होता है ना इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आप बताओ चार चार ये जो क्योंकि ये तो क्या है एक्चुअली में डब्ल्यू एक्स वाई जेड बी थ्री, आपको क्या लग रहा है ये नॉर्मल क्या है इक्वेशन से तो है ये वन एक्स प्लस थ्री वाई प्लस प्लस अलग अलग तरीके ठीक है, ए मतलब मान लो वन ए नॉट प्लस थ्री ए वन प्लस वन ए थ्री प्लस सेवन ए फोर, इस तरीके से इक्वेशन है ठीक है, या डब्ल्यू से इंटू कर सबको ठीक है, या ऐसे डब्ल्यू प्लस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर सेवन जेड इज इक्वल टू वी नॉट, देखो इतनी सारी टर्म्स है वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी ठीक है, इतनी सारी टर्म्स में आपको डब्ल्यू एक्स वाई जेड चार चार टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं एक्चुअली, ये नॉर्मल इक्वेशन है जैसे हम लोग क्लास टेंथ में देखते थे ना, इसको हम लोग एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करते थे, ये भी इस तरीका है ठीक है, करते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद एक तरीका होता है मतलब चलिए अब आपको आप क्या हो गया आपने बना लिया, अब बनाने के बाद क्या होगा आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ये खत्म हो गया गॉस एलिमिनेशन। अब आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, एक मेथड यूज करना पड़ेगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। अब बोलेंगे ये क्या है गॉस एलिमिनेशन, ये पे खत्म हो गया जब आपने इस फॉर्मेट में बना दिया, हालांकि ऊपर वाले कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं मुझे नहीं पता ठीक है, तो चेंज हो जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद। बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि आप इसको आप इक्वेशन की फॉर्म लिखोगे, जैसे कि ऐसे मान लो ये बन गया ना इक्वेशन, तो क्या होगा वन इंटू ओमेगा डब्ल्यू तो डब्ल्यू प्लस टू इंटू एक्स इस तरीके से ठीक है, प्लस थ्री इंटू जेड इस तरीके से ठीक है, प्लस एक दो तीन चार यहाँ वाई आएगा सॉरी वाई प्लस फोर इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो, मान लो कि वैल्यू दी होगी आपको फाइव फोर इस दी होगी चार इक्वेशन मैंने उसको सोल्व करके आप जो है ना क्या करोगे इसलिए वो कट जाएगी, तो अब क्योंकि इस मेथड से और इसलिए वो चली कट जाएगी तो कटती नहीं है वैल्यू, फिर इक्वेशन की इक्वेशन बनती है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। और जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है उसी को बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं हम लोग ठीक है, एक इक्वेशन से कोई वैल्यू निकाली उसको दूसरे इनपुट सब्स्टिट्यूट किया दूसरी की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करी, इस तरीके से डब्ल्यू एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं ठीक है। तो ये हो गया आपका गॉस एलिमिनेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन।
इसमें ना एक टॉपिक और आता है, इसको बोलते हैं पाइवोटिंग। पाइवोटिंग इसको जो है ना टॉपिक इसमें और आता है पार्शियल पाइवोटिंग। अब पाइवोटिंग क्या होती है? पाइवोटिंग का मतलब होता है अगर आपको कोई ऐसी जैसे कि मैट्रिक्स दे रखी थी, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में मान लो पहला एलिमेंट जीरो दे दिया आपको, पर हम जानते हैं कि अगर पहला एलिमेंट जीरो दे दिया, हम कुछ भी देते हैं कुछ भी, ठीक है, रैंडम। लेकिन पाइवोटिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पाइवोटिंग आप कैसे बताओगे कि व्हेन देयर इज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे हम गॉस एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। गॉस एलिमिनेशन के लिए पहला एलिमेंट वन होना चाहिए, वन वन इस तरीके से होता है ना, तो गॉस एलिमिनेशन के लिए मैच होना चाहिए। यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ भी है, मान लो सेवन है, तो हम इन दो रोज को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो मतलब सेवन थ्री फोर थ्री जो भी है ऊपर आ जाएगा, और ये जो रोज है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और अब फिर से आप क्या करोगे, इसको इसी को बोलते हैं पाइवोटिंग। और फिर इसमें आप गॉस एलिमिनेशन लगा के बैक सब्स्टिट्यूशन करके आप अपने डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। पार्शियल पाइवोटिंग में क्या होता है ना, हमें बार बार हमें जो है इन रोज को ट्रांसफॉर्म मतलब इंटरचेंज करना होता है। जब भी आपने एक भी रो का ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, मान लो आपने ये लगाया, ठीक है, तो आपको इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। फिर आप रो का मान लो आपने कोई भी रो का आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रोज को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो, एक लाइन के अंदर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पार्शियल पाइवोटिंग हम कहते हैं। सो ठीक है, ये तो हो गया पाइवोटिंग का टॉपिक। अब और क्या पूछ सकते हैं आपसे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे थे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बाकी जितने फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनसे मैंने कलेक्ट किए, और फिर मैंने पूरे डाटा इसका कलेक्ट करके उसको एग्जामिन किया, उसके बाद एक वीडियो बन रही है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकते हैं आप, देख रहे हो एक एक लाइन के ज्यादा लंबे, इतने लंबे लंबे लेंथी टॉपिक के अगर इस पर वीडियो बने तो एक एक घंटे की वीडियो बनती है एक टॉपिक पर। बस इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो दो मिनट में खत्म कर रहे हैं इसको। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्या होती है, कोई पूछे तो क्या बताएंगे? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इट कंटेन डिफरेंशियल्स विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, डिफरेंशियल हो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल हो, तो क्या बोलेंगे उसको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट कंटेन वही डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल होगा यहां पे क्या होगा, वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। कोई एग्जांपल जैसे कि लैपलास इक्वेशन होगी, है ना, लैपलास इक्वेशन होगी, वही एग्जांपल है इसका, ठीक है। इसमें बाउंड्री वैल्यू और इनिशियल कंडीशन पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कंटेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल। इसमें आप यूज कर सकते हैं एग्जांपल एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब बोलेंगे इसका एक्सप्लेन करो, तो क्या होगा, एफ इसको लिख सकते हो आप एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिख दिया आपने। और एक और होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, क्या होता है, माइनस के एच होता है, ठीक है। अब इसे क्या करोगे आप, कहेंगे इसको सोल्व करो, सोल्व कैसे करोगे आप, उसको ये एक्सप्लेन करोगे कि भाई आपको भी क्या करना है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी को क्या मान लो, कोई वेरिएबल मान लो, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना, भाई ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा, तभी तो मतलब स्टेप इजी होंगे, तभी तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अभी फाइंड कर लिया है, अब पता है इसको जो है ना, हम लोग एक मेथड होता है उसको बोलते हैं रंगे कुट्टा। अरे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा मेथड बोलते हैं, इस मेथड से, ये मेथड एक्चुअली में यूज क्यों होता है, ये मेथड नाम इसका ऐसे, इसका काम क्या है, रंगे कुत्ता मेथड का इस्तेमाल होता है रूट्स को फाइंड करने के लिए। रूट्स मतलब क्या, एक्स तो रूट है यहाँ पर, रूट्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, जो कि इनिशियल कंडीशन को क्या हो, जो भी कंडीशन दे रखी उसको सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो ये होगा एग्जाम्पल इसके, सो
यूलर और रनकुटा भी देख लेते हैं, ठीक है। सो यूलर एंड रनकुटा मेथड, क्योंकि इसके भी क्या पता पूछ लें। तो देखिए यूलर मेथड क्या होता है, यूलर मेथड और एक होता है रनकुटा मेथड, ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स में हम क्या देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपको एक, मैं देखिए ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसके, ठीक है। मान लो कोई भी आपको जो है किसी भी कर्व पे कोई स्लोप बनाना है, तो स्लोप की कोई ना कोई इक्वेशन होती है ना। मान लो ये जो है ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी पॉइंट है, कोई टी है और ये कोई पॉइंट मान लो क्या है टी प्लस एच है, ठीक है। तो मान लो किसी आप इस पॉइंट पर जो है क्या फाइंड कर रहे हो, स्लोप फाइंड कर रहे हो, डीएक्स अपॉन डीटी, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपको इसमें क्या बोलना है वहां पे, तो ये आपको एक इक्वेशन बोलनी है डीएक्स बाई डीटी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड टी। एंड इसके बाद आपको ये बोलना है कि हमें यहां से जो है ना क्या फाइंड करना है, हेयर वी हैव टू फाइंड आउट एक्स ऑफ टी प्लस एच, हम ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे हम टेलर एक्सपेंशन करेंगे, टेलर एक्सपेंशन किसकी, टेलर एक्सपेंशन करेंगे एक्स ऑफ टी प्लस एच बाई टू की करेंगे। अब ये कहां आता है, ये कहीं ना कहीं बीच में आता है, टी टी प्लस एच बाई टू कहीं ना कहीं मिड में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम उसको टेलर एक्सपेंशन करेंगे और उसके बाद हम कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे कि एक्स ऑफ टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एक्स ऑफ टी प्लस एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इनको सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक्स ऑफ टी प्लस एच माइनस एक्स ऑफ टी, ठीक है। सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, कुछ इक्वेशन मिलेगी। तो क्या इक्वेशन मिलेगी हम उसके बात करते हैं, एक्स ऑफ टी प्लस एच इज इक्वल टू हमें मिलेगा एक्स ऑफ टी प्लस एच एफ ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ टी प्लस एच बाय टू। देखो ये याद करना आपको, मैं भी याद करके गया, ठीक है, तो आपको याद करना है, ठीक है। तो आपको ये जो है मिल जाएगी इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। प्लस इसके आगे ऑर्डर भी आएंगे, प्लस हाई ऑर्डर भी होंगे, ठीक है, एच क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब ये एच क्यूब तक जो है आपको वैल्यू देगा, उसके बाद ये एरर शो करेगा, ठीक है। मतलब जो यूलर मेथड है वो एच की पावर थ्री ऑर्डर तक जो है आपको एक्यूरेट वैल्यू देने में जो है ये कैपेबल है। बात करते हैं रंगकुटा मेथड, ठीक है। रंगकुटा मेथड क्यों आया, यूलर का ही एडवांस फॉर्म है रंगकुटा। जब हमें हायर ऑर्डर पर, जब हमें हायर ऑर्डर पर जो है एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है, वो हमें ये नहीं दे पा रहा, ये एच की पावर थ्री पर रुक जा रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे रंगकुटा मेथड। और रंगकुटा मेथड में हम क्या यूज करते हैं, यही फॉर्मूला एक्स ऑफ टी प्लस एच, इसमें भी आता है पर वो फॉर्मूला होता है एक्स ऑफ टी, ये फॉर्मूला यहां पे याद कर लो, प्लस एच टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस के वन बाय टू कॉमन टी प्लस एच बाय टू प्लस फाइव ऑर्डर ऑफ एच। इसका मतलब देख रहे हो यहाँ पे पांच ऑर्डर तक जो है आपको क्या मिल रही है, ट्रू वैल्यू मिल रही है। मतलब ये ज्यादा, मतलब काफी लॉन्ग स्टेप्स के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें अगर आपको फिफ्थ ऑर्डर के बाद मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब इसीलिए यूलर मेथड से ज्यादा सुपीरियर मेथड है रंगकुटा मेथड, ठीक है। सो ये हो गया इन दोनों के बारे में। अच्छा एक चीज और भी है, पता है क्या, जैसे कि मतलब यूलर में जो है ना, मतलब एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ टी प्लस एच के लिए हम निकालते हैं, लेकिन रंगकुटा मेथड के लिए हम कहां से कहां पे निकालते हैं, बीच के लिए निकालते हैं, एक्स ऑफ टी प्लस एच बाई टू। एक्स ऑफ टी प्लस एच बाई टू ये रंगकुटा मेथड के लिए ही है, ठीक है, बट हम उसको यूलर में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे इजी पड़ता है टेलर एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। सो इसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो बस एक या दो टॉपिक और बच रहे हैं, एक है अडेप्टिव इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अडेप्टिव इंटीग्रेशन क्या होता है,
देखिए इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने, जैसे कि सबसे पहले आपको बोला पड़ेगा जब आप वाइबर दोगे तो क्या बोलोगे, चूज एन इनिशियल वैल्यू ऑफ एन एंड एस्टिमेट, क्या फाइंड करना है आपको एन की वैल्यू चूज करने के बाद, इनिशियल वैल्यू चूज करने के बाद एस्टिमेट करना है I1, जो कि क्या हो कोरिस्पॉन्डिंग हो किसके, कोरिस्पॉन्डिंग हो एन स्टेप्स। ठीक है, स्टेप नंबर टू, डबल द नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स का क्या करना है आपको डबल कर देना है, और आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या यूज करना है, आई वन इज इक्वल टू वन अपॉन में टू आई ऑफ आई माइनस वन प्लस एच आई समेशन ऑफ के होल्ड एफ ऑफ ए प्लस के एच आई, ये सब आप नोट कर लो। ठीक है, बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं, सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि अगर एरर आपको मिल जाए, अगर आपको एरर क्या हो एस्टिमेट हो जाए, देन अगर वो स्मॉलर है, जो भी रिक्वायर्ड एरर है उससे स्मॉलर है, स्मॉलर देन रिक्वायर्ड एरर, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा एरर है तो क्या करना है आपको, फिर से स्टेप रिपीट करना, रिपीट कहां से, फ्रॉम स्टेप नंबर टू। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इनिशियल नंबर ऑफ इनिशियल वैल्यू जो है चूज करनी है एन की, फिर आपको क्या करना है आई वन फाइंड करना है उसी एन वन के स्टेप्स के कोरिस्पॉन्डिंग, फिर आई वन कैसे निकालोगे, आई वन क्या होगा वन पॉइंट में टू आई ऑफ आई माइनस वन प्लस एच आई, और सबमिशन करना आपको ओल्ड वैल्यूज के लिए जितने भी के की ओल्ड वैल्यूज है ऑफ एफ ऑफ ए प्लस के एच आई। इसके बाद अगर एरर जो है वो कम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी रिक्वायर्ड एरर है उससे कम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप रिपीट करो स्टेप नंबर टू से। तो दिस इज द एडॉप्टिव इंटीग्रेशन। सो एक होता है स्प्लाइन इंटरपोलेशन। अभी स्प्लाइन इंटरपोलेशन क्या होता है, ठीक है, वी हैव टू राइटिंग डाउन द इक्वेशन फॉर एवरी टू कॉन्सी, आपको डेफिनेशन बोलनी है, कॉन्स्टिट्यूटिव डाटा पॉइंट्स सो दैट द स्प्लाइन इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट डाटा पॉइंट टू लास्ट डाटा पॉइंट। क्या मतलब इसका, जैसे कि मान लीजिए दो आपके पास कोई भी डाटा पॉइंट्स हैं, ये एक्स नोट है, ये वाई नोट है, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ठीक है, तो ये दो जो कॉन्सिक्यूटिव वाली और भी कोई पॉइंट्स है एक्स थ्री वाई थ्री है, तो ये दो जो कॉन्सिक्यूटिव आपको पॉइंट दिख रहे हैं तो इनके बीच में ही आप जो है इंटरपोलेशन निकाल सकते हो, मतलब ये स्प्लाइन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, और जो भी इनकी इक्वेशन आएगी उसी, ठीक है, जो भी इक्वेशन आएगी वो कहां से होगी, पहले डाटा पॉइंट से दूसरे डाटा पॉइंट के बीच में ही होगी, इसके बाहर कहीं पर भी नहीं जाएगी। इससे मतलब कोई भी आपको पॉइंट है एक्स, ठीक है यहाँ के लिए अगर आप कुछ डिस्टेंस फाइंड करते हो तो इन दो की वजह से यहीं पर फाइंड कर सकते हो आप, मतलब कि और किसी और पॉइंट के अलावा, दो पॉइंट के अलावा और कोई और पॉइंट आप नहीं ले सकते, ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच वाला पॉइंट लिया आपने, वहां से आप इस एक्स तक के लिए क्या फाइंड कर रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, तो आप जेसी के लिए फाइंड करोगे, किसी और के लिए फाइंड नहीं करोगे। मान लो होगा, मान लो ये भी एक स्प्लाइन बन गया हमारा, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप इसके लिए फाइंड कर सकते हो, है ना, आप इसके, लेकिन आप इसके लिए फाइंड कर सकते हो कि ये पॉइंट जो है दोनों में आ रहा है तो उसको नहीं ले सकते आप, मतलब इस तरीके से ये पॉइंट इसको ना, इसको आप नॉट पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है ना, ये नॉट पॉइंट है, ठीक है, ये नॉट पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। तो करने वाली बात क्या है इसमें कि आप दो पॉइंट्स के जो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स होंगे उनके बीच में ही आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्प्लाइन इंटरपोलेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दो, ये दो पॉइंट हो या ये दो पॉइंट हो, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि आप बोलोगे कि ये और ये नहीं, ये और कोई मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हो, हाँ तो हो सकता है इनके बीच में भी, ठीक है ना, तो दो पॉइंट के बीच में होगा और कोई और आप पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि उनके बीच में ही तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो ना, इसी तीसरी वैल्यू की आप इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है,
तो ये था स्प्लाइन इंटरपोलेशन। हालांकि इसमें और भी आप पढ़ोगे कि लीनियर स्प्लाइन होती है, क्वाड्रेटिक स्प्लाइन होती है, क्यूबिक स्प्लाइन होती है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करना, ठीक है। तो स्प्लाइन में इतना ही था कि आप दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट में इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट का जो डाटा है वहां से स्टार्ट हो गया, आपको कहां जाना है, दूसरे पॉइंट के डाटा में जाना है, और आप कहीं भी नहीं जा सकते, सिंपल लैंग्वेज में ये है, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद है रिलैक्सेशन मेथड। अब ये रिलैक्सेशन मेथड क्या होता है, इसमें आप एक पास एक डेफिनेशन नोट कर लो, कहां यूज होता है, यूज टू एक्सटेंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू और मोर वेरिएबल्स विद इज, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, इसका यूज हम कैसे करेंगे, इट्स यूज टू एक्सटेंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन के बाद इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन आ रही है उसको हम क्या करें पड़ेगा, अगर हमें उसको एक्सटेंड करना है तो हम रिलैक्सेशन मेथड से इसका मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।